नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि चुनाव जो होता है वो चुनावी होता है और चुनाव को चुनाव की तरह ही लड़ा जाता है। जो मुद्दे व जनता की भलाई के जो काम किए हैं उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे। सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा चुनाव की तैयारी में कहा, विधानसभा चुनाव को देखते हुए जन आशीर्वाद यात्रा 18 अगस्त से शुरू होगी जिसकी 8 सितंबर को रोहतक में समाप्ति होगी। देखिए, देश की जितने भी इस प्रकार के प्रमुख मुद्दे हैं वो सब प्रधानमंत्री जी के जहन में हैं कि इस देश की प्रगति अगर करनी है तो कुछ बातों की ओर हमको ध्यान देना पड़ेगा। उन्होंने बहुत से मुद्दों का जिक्र किया है, केवल इन दो का नहीं किया है, इन दो का भी किया है। और साथ में उन्होंने जल के बारे में, जल संकट की बारे में जो चेतावनी दी है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमुख मुद्दा है। उन्होंने भ्रष्टाचार को समाप्त करने का भी मुद्दा ये सामने रखा है। उन्होंने छोटे परिवार का एक जो जिक्र किया है उसमें निश्चित रूप से जो जनसंख्या, इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के ऊपर भी चिंता उन्होंने प्रकट की है। तो ऐसे सारे मुद्दों पर जनता का ध्यान आकर्षित करना, ऐसे अवसर होते हैं जब ये ध्यान आकर्षित किया जाता है। और इनके ऊपर क्या मॉडलिटी होंगी, क्या किया जाएगा, वो सहज पार्टी के अंदर विचार करके और जो सब लोग विचार करके उसको फाइनल करेंगे उस ओर नीति बना के आगे बढ़ा जाएगा। अच्छा सीएम साहब, 75 बार तो कह रहे हैं कि कमजोर विपक्ष है उसका भी फायदा मिलेगा, विपक्ष तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। चुनाव जो होता है, आखिर चुनाव होता है, चुनाव की तरह हमको चुनाव को लड़ना होता है। एक मजबूत संगठन के नाते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछले जो हमारी 5 साल के कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे आने वाले समय में हमारे सामने जो ऐसे काम बचे हुए हैं जिनके ऊपर काम करना चाहिए, जनता का जिसमें हित हो, भलाव हो, कुछ समस्याएं खास करके गरीब जनता की, उनको किस प्रकार से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाया जाए, ये सब काम है। अब ये सब बातें एक तरफ पॉजिटिव विषय लेकर के हम आगे बढ़ते हैं और बहुत ऐसी बातें होती हैं, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव कुछ पार्टियों के बीच में होता है तो किसी पार्टी की अच्छाई या किसी पार्टी की कमजोरी, चुनाव परिणाम तो मिला जुला करके आता है, सब बातें इसके अंदर काउंट करती हैं। रोहतक से विकास औलियान की रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।